आज ही डाउनलोड कीजिए। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। कनीज फातिमा, गुलाम अली, कनीज फातिमा कहाँ चले गए सब लोग? बेगम साहब, आप क्यों बुलाए? जी, कमरा सज गया? माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से सज गया है बेगम साहब। चाहे तो आप एक नजर देखने। मुझे नजर डालने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आप लोगों पे यकीन है। इसी तरह पूरे घर को सजा दीजिए। नवाब साहब आते ही होंगे, उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी बहू बेगम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज आपकी शादी की सालगिरह है और अल्लाह करे कि आपके हर शादी की सालगिरह पर हम इस घर को इसी तरह सजाते रहे। इंशाल्लाह, अगर नवाब साहब घर देखकर खुश हो गए ना, तो सबको इनाम और इकराम मिलेंगे। अरे भाई, गुलफाम और गुलशन कहाँ है? गुलफाम, गुलशन जी, जी बेगम, खाना तैयार हो गया? जी, सलाद कट चुका है, बस खाना कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। देखो, खाना इतना लजीज होना चाहिए कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। शादी की सालगिरह है बहू बेगम, इंशाल्लाह खाना ऐसा बनेगा जैसा आपकी शादी में बना था। आखिर मुझे भी तो नवाब साहब से नेक चाहिए। इंशाल्लाह सबको नेक मिलेंगे, उन्हें आने तो दीजिए। गुस्ताखी माफ बेगम साहबा, ये नवाब साहब है कहाँ? वो मेरी बाजी जीनत और भाई फरहान को लेने गए हैं। देखिए, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी मेहमान नवाजी, इंशाल्लाह इस घर के शायाने शान होगी। बहुत खूब, अब आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। जन्नत बेगम, भाई जन्नत बेगम, देखिए हम आपके अजीज मेहमानों को अपने साथ ले आए। अस्सलाम वालेकुम जन्नत अपनी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरा भाई आ गया। भाई, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन ये तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप हमारी इकलौती बहन है और हम आपके लिए जितना भी लाए उतना कम है। भाई आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया, वैसे दाद तो आपको दूल्हे भाई की देनी चाहिए क्योंकि इस मौके पर ये लिबास ही लाए हैं। भाई रिजवान मियां तो खानदानी नवाब हैं और अब शादी की सालगिरह पर आपको मुबारकबाद कुछ इसी अंदाज में पेश करेंगे। अजी, अभी हमने बेगम को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद पेश कहाँ की है? पेश तो जी अब करेंगे। हाय अल्लाह, अब इस लिबास से भी बढ़कर और क्या तोहफा पेश करने वाले हैं दूल्हा भाई? आज हम अपनी बेगम को एक ऐसा तोहफा पेश करने वाले हैं जिसका इन्होंने तसव्वुर भी ना किया हो। जिस बीवी को अपने शौहर की मोहब्बत हासिल हो, उस बीवी के लिए शौहर के अलावा और कौन सा तोहफा होगा? आप हमारी हकीकी जन्नत है जन्नत बेगम, और इसलिए ही हम आज आपके लिए एक ऐसा नायाब और कीमती तोहफा लेकर आए हैं जो आपकी इस खूबसूरती में वाकई चार चांद लगा देगा। भाई ऐसा कौन सा कीमती तोहफा है नवाब साहब? गुस्ताखी माफ हो अपनी, पहले तो आप हमारा तोहफा कबूल फरमाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे भाई के कीमती तोहफे के सामने हमारा तोहफा आपको फकीर लगे। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया भाई। शादी की सालगिरह पर हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आप दोनों की जिंदगी इसी तरह खुशहाल और शादाब रखे। कि आपके इस मुबारकबाद के लिए हम आपके बेहद ममनून और शुक्रगुजार हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं दूल्हे भाई, और हाँ, अब आप अपना बेशकीमती तोहफा पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये रहा हमारी जन्नत बेगम के लिए एक हकीकी सा तोहफा।
अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती, और अब एक लम्हे में तोहफा हकीर हो गया। भाई तोहफा तो यकीनन बेशकीमत है, बस आपके बेपना हुस्न के सामने ये बिल्कुल हकीर है। अब लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। अल्लाह, मौला का हार, शुक्रिया। नौलखा हार, माशाल्लाह, मेरे पास तो लब नहीं है। सचमुच मैं ऐसे तोहफे का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। अजी, ऐसे शोहर तो बड़ी खुशनसीब बीवियों को मिलते हैं जो अपनी बेगमों को नौलखा हार देते हैं, वरना मैंने तो नौलखा हार के बारे में सब सुना ही था, आज देख भी लिया। वाकई बेहद खूबसूरत है। पर हमारी बेगम से ज्यादा खूबसूरत नहीं है ये। बेगम, अब आप इसे पहन भी लीजिए। देखिए, ये आपकी नहीं, इस हार की खुशकिस्मती है जो आप इसे पहनेंगी। आप ही पहना दीजिए। बेशक। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह, नजर ना लगे इस नौलखे हार को, और हमारी बहन तो जन्नत की हूर लग रही है। वैसे नवाब साहब, इसकी क्या कीमत होगी? नवाब साहब जी, हमने कहीं पढ़ा है कि खूबसूरत लड़की से उम्र, एक नौजवान से उसकी आमदनी और तोहफे की कीमत नहीं पूछी जाती। ये तो अमीरों का बहाना है अपनी दौलत छुपाने का। खैर जन्नत, ये हार बहुत जच रहा है, इसे संभाल कर रख दीजिए। जी नहीं बाजी, इसे तो मैं पहन कर सोऊंगी। जीनत साहिबा, ये बाकिया तोहफे हमारी बेगम की जान का सदका है, इसे हमारे तमाम मुलाजिमों में तकसीम करा दीजिएगा। जी जरूर। अरे भाई बेगम, नवाब साहब का बड़प्पन तो देखो, जब भी कोई खुशी का मौका होता है वो हम लोगों को नहीं भूलते। अल्लाह उन्हें इस दरिया दिली का अजर दे। अरे भाई बेगम, हम कुछ फरमा रहे हैं, आप कहां खोई हुई बेगम? हाय बेगम साहिबा, की किस्मत कितनी बुलंद है कि उनके शोहर ने उन्हें नौलखा हार तोहफे में दिया। काश अल्लाह तुम्हें इस लायक बनाता कि तुम मेरे लिए नौलखा हार खरीद पाते। कि तूने फांसी का फंदा तो नहीं देख लिया? जो तुझे कोई फांसी का फंदा लगा रहा हो और तू जाग गई उठ के। अरे मैंने ख्वाब देखा अभी कि वो नौलखा हार मेरे गले में है। कमबख्त, तूने अपना गला देखा है? हैं? गंडी पहनने के लायक नहीं है, नौलखा हार पहनेंगे। चल सो जा, वरना एक छाटा दूंगा खींच कर, सारी नींद हराम कर। Yeah.
बेगम, क्या हुआ, क्या बात है? मेरा हार नहीं मिल रहा है। वो नौलखा हार? जी हाँ, जो आपने रात को दिया था। हार गले, आपके गले से खाए हुए? नवाब साहब, ये देखिए, नहीं है हार। बेगम, कहीं आपने रात को सोते वक्त हार उतार कर रख तो नहीं दिया था? जी नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हार पहना था। मुझे लगता है कि चोरी हो गया, हमारे घर में चोर दाखिल हो गए थे। हवेली के बाहर 10-10 पहरेदार हैं बेगम, चोर हमारी हवेली में कैसे दाखिल हो सकता है? तो मेरा हार कहाँ गया? अल्लाह! क्या हुआ जन्नत, क्या माजरा है? बाजी, बाजी, मेरा हार चोरी हो गया, नहीं मिल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? हाय अल्लाह, वो नौलखा हार चोरी हो गया। पर आप तो रात को गले में हार पहन कर सोई थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि गले से कहाँ गायब हो गया, चोरी हो गया लगता मुझे। क्या हुआ, क्या हुआ बेगम साहिबा, क्या हुआ? बेगम साहिबा के गले में हार नहीं है, लगता है चोरी हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेगम साहिबा का नौलखा हार चोरी हो गया मतलब? दूल्हा भाई, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, घर से 9 लाख हार चोरी हुआ है। हमें इस तरह खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें इस चोरी की इतना फौरन शहर काजी को चलकर देनी चाहिए। अब आप अपना वक्त जाया ना करें, आप चलें मेरे साथ। आप बजा फरमा रहे, खुदारा बेगम रोइए मत, इसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होगी। हम अभी आते हैं, आप जरा साहब, इस शादी की सालगिरह के मौके पर बहू बेगम को इस बात का इल्म कब हुआ कि उनका हार चोरी हो चुका है? जी, जब अचानक वो नींद से बेदार हुई तब उन्हें पता चला कि उनके गले में हार मौजूद नहीं है। अच्छा, आपकी शादी की सालगिरह के मौके पर क्या कुछ बाहर के लोग भी शामिल हुए थे? जी नहीं काजी साहब, बस घर के लोग ही मौजूद थे। घर के लोगों में कौन चोर हो सकता है और उसे गिरफ्तार कैसे किया जाए? काजी साहब, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम शक करें तो करें किस पर? रिजवान मियां, आप घबराइए मत, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी। बस आप एक काम करें, कल सुबह अपने तमाम अफराद खाना के साथ यहां पर तशरीफ ले आइए, बाकी हम देखेंगे। जी बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज़। माफी चाहता हूं रिजवान साहब कि मैंने तमाम अफराद खाना को यहां पर बुलाया, कतई न बुलाता, लेकिन मसला बहुत बड़ी चोरी का है, 9 लाख हार की चोरी। इसीलिए मैंने तमाम लोगों को यहां पर बुलाया है ताकि मुजरिम तक पहुंचा जा सके, और मुझे पूरी उम्मीद है बल्कि यकीन कामिल है कि चोर कल तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काजी साहब, कहीं आपको यह शुबहा तो नहीं कि यह चोरी हमारे अफराद खाना में से किसी ने की है? शुबहा नहीं रिजवान साहब, पूरा यकीन है मुझको कि चोर इन्हीं में से एक है। क्या चोरी अफराद खाना में से किसी ने की है? जी, काफी गौर व फिक्र करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये चोरी आपके घर के किसी फर्द ने की है। रिजवान साहब, आपकी हवेली पर इतना सख्त पहरा है कि परिंदा पर भी नहीं मर सकता। किसी शख्स की इतनी जुरत नहीं कि आपकी हवेली में दाखिल हो सके। और दूसरी अहम बात यह है, जैसा आपने बताया कि आपका कोई करीबी दोस्त या मेहमान भी आपके घर पर नहीं आया, घर पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग मौजूद थे। काजी साहब, घर पर कोई अफराद कैसे चोरी कर सकता है? ऐसा भी तो मुमकिन है कि जन्नत अपना हार कहीं रखकर भूल गई हो और उन्हें याद ना आ रहा हो।
हार बहू बेगम के गले से उतारा गया है। बहू बेगम, अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो आपकी अमानत यकीनन आपको वापस करेगा, आपका हार आपको मिलेगा। यही तो हम बेगम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये है कि समझती ही नहीं। अपना सब्र पूरी तरह से खो चुकी है काजी साहब। खैर, मैं आप लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? जी हाँ, तोहफा। और वो तोहफा है ये छड़ी। दरअसल ये जादुई छड़ियां हैं, इनका इस्तेमाल करके चोरों को पकड़ता हूं। गुस्ताखी माफ हो काजी साहब, भला ये बेजान छड़ियां चोर कैसे पकड़ सकती है? मैंने कहा ना, ये जादुई छड़ियां हैं, और इन छड़ियों की खासियत ये है कि जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में एक एक उंगल बढ़ जाए। अब आप लोग एक एक छड़ी उठा लें। इन्हीं छड़ियों में से एक छड़ी चोर का पता बताएगी। अब आप लोग जाइए और कल इसी वक्त अपनी अपनी छड़ियों के साथ सबको यहां फिर हाजिर होना है। खुदा हाफिज। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छड़ी को बार बार नाप क्यों रहे हो? शाम से 100 बार नाप चुके हो। मुझे क्या पता, मुझे कितनी घबराहट हो रही है, कहीं ये छड़ी हमारा मुंह ना काला करवा दे। यही सोचकर तो मैं परेशान कि कहीं इसका इल्जाम हम पर आ गया तो क्या करेंगे। अल्लाह ना करे। फेंक दे से तू, कर क्या रही है तू? अरे पर मुझे देखने तो दो कि इस छड़ी में ऐसा क्या जादू है जो ये रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है। इस छड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। तू सोचा आराम से, सोचा गुलशन, सोचा। अम्बक, नींद भी नहीं आ रही है, इस छड़ी ने तो आफत ही खड़ी कर दी है। फरहान, जरा छड़ी फिर से नाप करते देखो, कहीं ये मनहूस छड़ी बड़ी ना हो जाए। ओफो अप्पी, 10 मर्तबा नाप चुका हूँ, और कितनी मर्तबा नापूं? आप सो जाइए ना आराम से, क्यों फिक्र करती हैं? अरे फिक्र कैसे ना करूं, कहीं छड़ी ने कुछ गलत फैसला कर दिया तो क्या होगा, और ना जाने रिजवान मियाँ क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। सोच रहा हूँ कि चोर हो कौन सकता है, और इस छड़ी से क्या साबित करेंगे काजी साहब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
काजी शहर की अदालत में आप सबका इस्तकबाल है। मैं माफी का खासगार हूं अगर कोई जहमत हुई हो। आइए देखते हैं इन जादी और छड़ियों ने अपना क्या कमाल दिखाया। माफ हो काजी साहब, ये बेजान छड़ी अपना क्या कमाल दिखाएगी? अब ये तो पैमाइश के बाद ही पता चल सकेगा रिजवान साहब। इन छड़ियों में से यकीनन एक छड़ी एक अंगुल बढ़ चुकी होगी। लाइए, सबसे पहले आप अपनी छड़ी दीजिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बहु बेगम। आपकी छड़ी भी बिल्कुल दुरुस्त है। लीजिए जीनत। खड़ी हो जाइए। माशाल्लाह, ये भी ठीक है। गुलाम अली जी, तुम क्यों इतना घबराए हुए हो? अरे भाई, तुम तो इस घर के एक वफादार मुलाजिम हो। लाओ छड़ी। ठीक है, ये भी बराबर है। जाइए। अरे वाह, बिल्कुल बराबर। तो हुजूर, सबकी छड़ियां सही निकली हैं, ये छड़ी भी सही निकलेगी। लाओ। हुजूर, आप बिला वजह शक कर रहे हैं, ये छड़ी सही निकलेगी। वैसे भी शक दूर कर लेने में क्या नुकसान है। लाओ, ये लीजिए। ये क्या गुल्फा, तुम्हारी छड़ी तो छोटी हो गई। छोटी? रिजवान साहब, आपके नौ लखे हार का चोर कोई और नहीं बल्कि आपका ये खानसामा गुलफाम है। तुम अपनी चालाकी से मार खा गए गुलफाम। गुलफाम, मेरा नौ लखा हार तुमने चुराया? नहीं, बेगम साहिबा, ये हम पर गलत इल्जाम है। हम तो आपके एक वफादार मुलाजिम हैं। खामोश गुस्ताख, नहायत बतकली से काम लिया तूने। यही सोचा ना कि एक उंगल छड़ी काट दे, रात भर में ये बढ़कर बाकी छड़ियों की बराबर हो जाएगी। दरअसल मैंने गलत बयानी से काम लिया था, झूठ कहा था आप लोगों से। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, चोर को पकड़ने के लिए सिर्फ एक हरबा इस्तेमाल किया था कि ये छड़ी रात भर में एक उंगल बढ़ जाएगी। इस गुलफाम ने छड़ी काटकर अपनी हिमाकत का सबूत दिया है और ये साबित कर दिया कि जुर्म इसी ने किया है। इसको इस जुर्म की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नमक हराम, हमारी रहमदिली और मेहरबानियों का ये सिला दिया तूने? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए।
ये गुनाह मैंने अपनी बीवी के खातिर किया हुजूर। ये मुझसे अक्सर ताना मारा करती थी कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ हुजूर, और मैं जिंदगी में उसे कभी कोई तोहफा नहीं दे सकता हुजूर। इसी खातिर मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इस गुलाम को माफ कर दीजिए। हम आपसे रहम की भीख मांगते हैं, हम पर रहम कीजिए बेगम साहिबा, हम पर रहम कीजिए। या खुदा, हमें माफ कर दीजिए। पहले ये बताओ कि वो नौलखा हार कहाँ है? वो हार हमने बावर्ची खाने के अंदर आटे के डिब्बे में छुपा रखी है। हम लोग घर जाकर आपका वो हार वापस कर देंगे। अब आपका चोर आपके सामने है रिजवान साहब, इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए बेगम साहब, हमें माफ कर दीजिए बेगम साहब। नवाब साहब, ये दोनों रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी की सालगिरह के मौके पर हम किसी का दिल दुखाएं, और वैसे भी इंतकाम लेने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है। नवाब साहब, इन्हें माफी देकर आप बड़े हो जाइए। ये आपके गुनहगार हैं जन्नत बेगम, आपके, और सिर्फ आप ही इन दोनों को माफ कर सकती हैं। मैंने इन दोनों को माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दरिया दिल हैं, आप बहुत दरिया दिल हैं बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दरिया दिल हैं। खुदा खुदा आपको बरकत रखे, खुदा आपकी सारी मुरादें पूरी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। खुदा